हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है दशहरा स्पेशल। हमारे बच्चे जो घर में होते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं रावण का नाम सुनकर। तो मैंने सोचा कि कुछ वेस्ट मटेरियल से रावण घर में छोटे बच्चों के लिए बनाया जाए, एंड इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है और घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से आप ये बहुत ईजीली बना सकते हैं। एंड इसका टोटल प्रोसेस 5 to 10 minutes है, नॉट मोर देन दैट। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ डिस्पोजेबल ग्लासेस लिए हैं। मैंने वाइट कलर के ग्लासेस लिए हैं जिसको मैं कलर करूँगी। मैं एक ग्लास पे ग्रीन कलर कर रही हूँ, मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है, और दूसरे ग्लास के लिए मैंने रेड कलर चूज़ किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से, आप कोई भी कंट्रास्ट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने रेड, ग्रीन एंड येलो कलर थर्ड जो है चूज़ किया है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि एक ग्लास मैंने ग्रीन कलर का, एक येलो कलर का एंड एक रेड कलर का चूज़ किया है। इस पर मैंने वाटर कलर्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो फेविक्रिल या कुछ भी, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का। उसके बाद हमें एक फेविकॉल चाहिए, सीज़र चाहिए एंड कुछ कटआउट्स आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। मैंने गूगली आईज ली हैं एंड मुस्टैक कटआउट मैंने खुद काटा है ड्रॉ करके। देन स्वॉर्ड आप देख रहे होंगे ऊपर बना है, वो काटा है। क्राउन काटा है, खुद से ड्रॉ करा है मैंने एंड देन कट करा है। एंड देन गले का नेकलेस मैंने खुद से ड्रॉ करके काटा है। ये गोल्डन मेटेलिक और सिल्वर मेटेलिक शीट है, थोड़ी ग्रेसफुल लगती है इसीलिए मैंने लगाई, और मेरे पास ये पड़ी हुई थी इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया। आप चाहे तो कोई भी A4 साइज़ की शीट्स, कलरफुल शीट्स आप लगा सकते हैं उसके कटआउट्स काट के। सबसे पहले मैं जो बेस का कलर रखूँगी वो ग्रीन कलर रखूँगी, जो कि रावण की ड्रेस का काम करेगी। तो आपको ग्लास सीधा रखना है और जो ऊपर की जो बाउंड्री है ग्लास की, उस पे आपको फेविकॉल लगानी है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। बस अपर पार्ट पे राउंड जो अपर पोर्शन है आपको उस पे फेविकॉल लगानी है। एंड देन जो रेड कलर की आप ग्लास देख रहे हैं उसको आपको उल्टा रखना है, इस तरीके से आपको स्टिक करना है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसको 2-5 मिनट दें स्टिक होने में, बिकॉज़ फेविकॉल सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसको सूखने दें आप तब तक। एंड इसके बाद मैं थर्ड कलर का ग्लास रखूँगी, जो कि मैंने येलो कलर लिया है। मैंने ये फेस के लिए लिया है, बेसिकली येलो कलर के ऊपर कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, तीनों ड्रेस का कुछ भी कलर चूज़ कर सकते हैं एंड देन फेस का कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप सीधा रखेंगे ग्लास, इसके ऊपर जब आप स्टिक करेंगे फेविकॉल लगा के तो सीधा रखेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन आपने सीधा रखा, रेड उल्टा रखा एंड देन येलो, उसके बाद ऊपर उसके सीधे रखेंगे आप। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ दो गूगली आईज लगाई हैं, देन मैं मुस्टैक स्टिक करूँगी। आप लोग पहले डायरेक्शन देख लें कि कहाँ कैसे लगेगी, उसके बाद मैंने लिप्स जो कि होठ मैंने बनाए हैं वो स्टिक करा है एंड क्राउन लगाया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे रेड कलर का जो ग्लास है, मैंने अभी येलो कलर का ग्लास रिमूव कर दिया है। रेड कलर के ग्लास के बीच में, ठीक बीचों बीच मैंने आइसक्रीम स्टिक डाली है। आप लोग जैसा कि यहाँ देख रहे हैं मैंने बीचों बीच आइसक्रीम स्टिक डाली है। ये डिस्पोजेबल ग्लास है तो टूटेगा नहीं, आराम से स्टिक चली जाएगी। और उस आइसक्रीम स्टिक पे मैंने स्वॉर्ड पकड़ाई है रावण को, इसके ऊपर मैं फिर से स्टिक कर रही हूँ ग्लास येलो कलर का। आप देख रहे होंगे ऊपर क्राउन मैंने लगाया है। एंड अब आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप इसको अपने अकॉर्डिंगली नेकलेस या कुछ भी आप लगा सकते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मैं मेटेलिक सिल्वर कलर की शीट मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने उसको राउंड काट के उसके गले में लगाई है, स्टिक करी है। एंड देन पेट पे मैंने गोल्डन कलर की सेम मेटालिक शीट जो है मैंने उसको स्टिक किया है।
तो ये बहुत ही इजी एक्टिविटी है और 5 से 10 मिनट के अंदर ये एक्टिविटी बन जाती है। एंड आप लोग अपने बच्चों को इन्वॉल्व करो इसे बनवाने में, तो बहुत ही एंजॉय करेंगे बच्चे। मेरा बेटा इसे देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड ही वांट्स कि इसको जल्दी से जलाया जाए, और डेफिनेटली हम लोग जलाएंगे दशहरे वाले दिन। इसमें इको फ्रेंडली क्रैकर्स डाल के, ग्रीन क्रैकर्स डाल के, आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा।